हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज फिर इंट्रो शूट करना भूल गया, मैं शाम को कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पापा। मैं चुटकुलने गया था ऊपर। अरे थारू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सबको। अभी मैं एक्सरसाइज करके आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। हाँ थोर बोल। मैं अभी अभी एक्सरसाइज करके आया हूँ, अब मैं बनाना लेके आ रहा हूँ। बनाना घर पे खत्म हो गया तो थोर को देखना क्या कर रहा है। हाँ थोरू, हाँ हाँ आ रहा हूँ 2 मिनट में भाई। हर जगह घुमाया भाई, पूरे सेक्टर की मार्केट देख ली, कहीं केले नहीं मिले कहीं भी। पता नहीं, या तो मैं जल्दी चला गया, दुकान भी नहीं खुली हुई थी, केले ही नहीं मिले। चलो कोई नहीं, आज पपाया शेक पीने काम चला लेते हैं। थरू आ गया बेटे, मैं आ गया। आ जा, आज क्या बना रहे हो मम्मी आप? पालक पनीर बना रहे हैं। और ये तो पनीर काटा होगा तो ये थोर बार बार आ रहे। बस आ जाओ थोर, अब बस एक, अब और नहीं। ठीक है, एक ले चुका, बस थोर आ जा, चला जा बाहर, बैठ जा, चल आ जा बालकनी में, देख लोगों को देख कौन कैसे सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं। पापा ने एक कपड़ा उठा रखा है डस्टिंग वाला, और ये थोर को चाहिए देखना। मैं एडिटिंग कर रहा था और ये देखो, मैं दे 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 दे, कैंडी आ गई, कैंडी आ गई, थोड़ी थोर कैंडी आ गई, कैंडी आ गई। चल 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 चल, आ जा बेटा, आ जा आ जा। हां ठीक है, ओके ठीक है, बाय बाय। जस्ट अभी वीडियो अपलोड करी है तो बस, और मैं खाना खाऊंगा। आज मम्मी ने पालक पनीर बनाया यार, मम्मी इतना बढ़िया बनाते हैं ना। ये रही पालक पनीर यार, मेरे को तो बहुत पसंद है। मेरी मम्मी जो बनाते हैं ना, एक नंबर की, जो ग्रेवी बनाते हैं ना, गजब। कैसा लगा व्लॉग पापा? बढ़िया लगा, और का खाना बन रहा है। मानू से मिलते हैं, मानू से। और तुम मानू के पास बैठे? अब तो इनकी सुलझ हो चुकी है। गुड मॉर्निंग मानू, उठ जा। अरे उठ तो जा। अच्छा गुड मॉर्निंग करते, चल बस करियो करते। गुड मॉर्निंग, तुम्हारी होगी सुलझ अब है? होगी, देख आप दोनों के लिए लगे, थोर फिर भाज के आएगा। बोलो अब तो होगी, होगी सुलझ बहन की होगी। थोरू देख, हम दो तो प्यार कर रहे हैं भाई बहन। देख देख थोरू, हम दोनों तो प्यार कर रहे हैं। मानू मेरी बहन, तू कैसे देख रहा है? आ जा थोर, आ जा तू भी, आ जा आ जा। मानू देखो, तीनों भाई बहन। थोरू आ जा, तीनों भाई बहन है ना? हाँ, तू भी आएगा। चलो आदित्य यहाँ पे है। आदित्य आज शाम को बनाएंगे आप, ठीक है? पक्का बनाएंगे। आज इसको करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। पहले तो इसका पानी चेंज करेंगे। किससे पूछ के आया बाहर? किससे पूछ के आया? सुसु कराना, चल सुसु कराते। हाँ मानो, क्या करना थोड़े को? पक्का पक्का क्या? सुसु करेगा तोर? देखिए करना है भाई, प्रेशर आ रहा है। मैम भी हमारे टीचर सेंटी कपूर नाम से। सेंटी तेरे भी है क्या ऐसे मैडम? माने को तो सेंटी। चल थोरू सुसु कर ले, सुसु कर ले, चल। इतना शाना कुत्ता देखा है, कहते ही सुसु कर लेता है। मानू और थोर वापिस आ गए। ले ले ले, और करा ले ले ले, वो ले ली भाई, ले ली ले ली। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम पानी चेंज करेंगे, तो 5 बज रहे हैं। एक मिनट, टाइम टू टाइम दिखाऊंगा, देखो दिख रहा हो तो देख लियो, 5 बज रहे हैं। तो बस अब हम दोनों पानी चेंज करेंगे, इसका करते पानी चेंज कर देते हैं, और उसके बाद फिर चलेंगे फिश लेने, फिश शॉपिंग करेंगे फिश की। ये देखो भाई, इसको चेंज कर देते हैं सारे को। हमने मिट्टी वगैरह निकाल तो दी, साफ कर दिया,
बट इसके नीचे थोड़े होल होते हैं जैसे मिट्टी में से निकल जाते हैं, तो इसने थोड़ी लेयर मिट्टी की छोड़ दी है। अब इसके ऊपर हम बजरिया डाल देंगे, मतलब आप स्मॉल पेबल्स यूं मान सकते हो आप, बजरी मतलब यूं है ठीक है, ये दबी रहेगी मिट्टी नीचे और उसके ऊपर पत्थर की लेयर हो जाएगी ना पेबल्स की, तो फिर पानी भी उसमें छन छन के चला जाएगा और जो मछलियों का वेस्ट होगा वो नीचे दबता रहेगा। भाई देसी जुगाड़ यही है, पेबल्स उठाओ बजरी इनको धो लो और उसके बाद उसके ऊपर लेयर बना देंगे। बस इसमें अगर मतलब हल्की फुल्की जो गंदगी है ना वो निकल जाए थोड़ी बारी बारी, बाकी टाइम के साथ साथ हो जाएगी। फिर अब लोग कहेंगे कि भाई एकदम से मछलियां नहीं डालनी होती, मैंने पानी वगैरह इसमें इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि जो गुड बैक्टीरिया इसमें पहले से थे, इस पॉट में बहुत पहले से पानी था, कम से कम महीने से ऊपर हो चुका है ना, दो महीने हो चुके इस पानी को, तो इसके अंदर जो गुड बैक्टीरिया थे वो पहले से है, तो इसलिए हम डाल लेंगे फिश। इतने घंटे दो घंटे के बाद ये बैठ के मिट्टी जो है ना ये होगी डस्ट आ गया ऊपर, ये तो नॉर्मल बात है होना ही था। ये बैठ गया और जब तक फिर हम घंटे दो घंटे बाद ले आएंगे फिश। आप लोगों को अब एक चीज दिखाते हैं बहुत बढ़िया, देखिए आज अब मैं मानू को बुलाऊंगा आज बहन के लिए लगते हैं और छोड़ के रखकर देखना, मैं इसको बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूँ ठीक है। मानू बहन आज बहन आज तुम नहीं आज मानू बहन आज मानू बहन वो फोन गिर दिया और कैमरे गिर दिया कैमरा गिरा दिया आज मानू बहन तो फिर कैमरा गिर तो भाई ये है ये जल खोर है पूरा जलता है ये फुल जलता है थारू थारू क्या कर रहा है तू क्या चाहिए तेरे को क्या चाहिए अटेंशन अब देख गुस्सा निकालेगा यहाँ पे अपना देखो 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 गुस्सा निकालेगा ये महाराजा फुल गुस्सा फुल अच्छा भाई हाँ हाँ तेरा ही है फुल गुस्सा और अभी तो ये मेरे को प्रोटेक्ट भी कर रहा था मालूम मेरे वाह एक दिन ऐसे इसको मार रहा था मुंह मारा खुद का दीवार में बहुत बार मार ले बहुत नहीं गुस्सा है आजा बहन आजा आजा बहन आजा आजा बहन आजा तू आ गया आगे दिखा रहे एक बार और गई तो तेरा भी यही हाल होगा आ जा थोर थोर ओ बस बेटे और फुल गुस्सा डन तो ये री मानू ये रे थोर ये रे थोर पत्थर चले छोड़ पत्थर देख चलो थोर आ जाए देख ले तेरा पानी भर दिया है तेरी मछलियां आऊंगी इसमें तेरी दोस्त तू पत्थर ना उठा बता कैसा लग रहा है अच्छा सही आ जाएगी मछलियां यहाँ पे कौन सी डालेगी मोली चलो फिर आज तो ये पानी सही नहीं हुआ अभी तक मैं दिखा देता हूँ आप लोगों थोर को ले जा मानू ऊपर मिट्टी खा जाएगा साफ कर इसके पैर पर ले जा ये देखो ये पानी ना थोड़ा साफ नहीं हुआ ये मेरे को यूं लग रहा है आज रात को इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा कल तक होएगा साफ आप लोग टेंशन मत लो मैं और आदित्य जाएंगे आज शॉप पे और देख के आते हैं और हम बुक कराएंगे बुक नहीं तो मतलब कह देंगे भैया को कि भाई कल आ जाएंगे अब लेने क्योंकि हमारे पास कोई कंटेनर तो है नहीं रखने के लिए तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आऊँगा शॉप में और आपको दिखाऊँगा तो मेरी ये फेवरेट शॉप है भाई इतने बढ़िया एक्वेरियम है ना यहाँ पे और मैं पहले आपको एक एक्वेरियम दिखाता हूँ जो मेरा मन है कि मैं बनाऊँ और मैं लेके आ सकता हूँ घर पे वो ये है कैसा लग रहा है एक्वेरियम बताना बिल्कुल बढ़िया बेस्ट एक्वेरियम है इसका फिल्ट्रेशन भी पीछे लगा हुआ है मतलब देख के इतना मजा आ जाता है ना कि कोई चीज है ये बड़े पौधे आप उसमें भी डाल सकते हैं अपने वाले में ये देखो ये ऊपर तैरते हैं ऊपर तैरते हैं नीचे रूट से इनकी तो आप उसमें अपने पॉन्ड में डालेंगे ये हो गया ये चीजें होंगी तो आप डाल सकते हैं मोस वगैरह होगी तो आप डाल देंगे और ये देखो कितनी सुंदर तो आपके टैंक्स है कितनी गजब है इतनी छोटी जगह में आप इतना बढ़िया नेचर रख सकते हो भाई मेरे लिए तो ये जन्नत है ये देखो कितना प्यारा है नीचे से दिखाओ ये पीछे हाँ ये देखो
तो ये भी मोली ये आप डालेंगे एक्वेरियम में, तो देख लो कौन से वाली पसंद है आपको, कल आगे हम ले जाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताना। ये वाली मोलीज है, इनमें से जौन सी आप कहोगे जौन सी आप कहोगे वो ले आएंगे आप। अच्छा लिया अरे फिर तो मानो कल फिर अपनी फिश डाल देंगे उसमें, डाल देगी। मैं वीडियो बना के लाया हूँ ना, उसमें से बताइयो तू कौन सी डालनी है। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी वाली डालनी है। मैंने वीडियो बनाई है ना, वो जो आपने देख ली थोरी है ना थोरू, अरे ये शाशा मेरे पास आई थी ना, तो शाशा का सूंघ रहा है, बार बार मेरे से दूर नहीं जा लग रहा। तो थोर का खाना भी बना दिया है आज, चिकन खा रहा है थोर। ये देखो ये चिकन, चिकन का पानी भी है और इसके ये चावल है। ये थोर देख वो ठंडा हो रहा है इसलिए रखा हुआ है। तो बस चलो एंडिंग करते हैं, कल के ब्लॉग में मिलेंगे। कल वाला ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि कल के ब्लॉग में हमने हमारे जो पॉन्ड है ना उसके अंदर थोड़ा एक्वास्केपिंग भी करेंगे, मछली वो फिश तो डालनी है। तो शायद मैं ये सोच रहा हूँ थोड़े से मतलब कि पौधे वगैरह और लगा दूँ उसमें, तो वो लगा देंगे और फिश डाल लेंगे, तो आप लोग जरूर देखना। बाकी हम सब तो है ही। बाय करते मानू, बाय बाय। और पहले थोड़ा थोड़ी बाय करते, ठीक कर दिया, बाय करते मानू, बाय कर।